और तेरी। इसमें हम एक मेन चीज़ तो डालना भूल ही गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट, और जो है पोहा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कुछ प्याज काट ली है, ये हरी मिर्चें हैं, ये मसाले हैं ड्राई मसाले, ये राई है जिसको सरसों भी कहते हैं, ये सेंगदाने, और ये हमारा पोहा, और ये ऑयल मेन चीज़। अभी हम ऑयल डालेंगे इसमें थोड़ा सा। ये थोड़ा तेल इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो ये सेंगदाने हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो के फिर इनको हम निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट हम इसी में डालते हैं तो थोड़े वो बाद में बनने के बाद में थोड़ा कच्चापन रह जाता है इनमें। और यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये गए सेंगदाने। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। इनको हम निकालेंगे इस प्लेट में। अभी इसमें हम डालेंगे ये ऑयल थोड़ा सा और। ऑयल डाल दिया है, ऑयल डालने के बाद इसमें ये थोड़ा सा राई, राई के बाद ये मिर्ची, मिर्ची के बाद ये ऑनियन, इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक हमारी जो प्याज है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोहा और इस स्टेपल डाइट है, इसको आप कभी भी झटपट बना सकते हैं। ये यहाँ तक कि मैगी से भी कम टाइम में बन जाता है। अभी हम इसमें डालेंगे मिर्ची 2 स्पून, ये है पिसा हुआ धनिया, अब हम ऐड कर देंगे इसमें ये सेंगदाने, जिसको इंग्लिश में नट्स कहते हैं, और हमारी देसी भाषा में मूंगफली, मूंगफली के दाने। इसमें ऐड कर देंगे हम ये पोहा। और तेरी, इसमें हम एक मेन चीज़ तो डालना भूल ही गए। अब वो मेन चीज़ है ये सॉल्ट। इसको खोल लेता हूँ। सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आप खाएं। और हाँ, अगर आप लोगों को पोहा थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रखना है या फिर सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट रखना है, तो आप लोग इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है ये शुगर। ज़्यादा नहीं, थोड़ी स्प्रिंकल करेंगे हम, बस इतनी, बस इससे क्या काफ़ी लंबे समय तक पोहा हमारा सॉफ्ट बना रहता है।
यहाँ ये हमारा पोहा बन के तैयार हो।